नमस्कार दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और वक्त हो चुका है आज के पांच के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर में 22 मई को शुरू हुई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है। हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म बढ़ाने पर भी है। सरकार यहाँ आने वाले फिल्म मेकर्स की लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन शिफ्ट करने में मदद भी करेगी। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। हैदराबाद के मनीकोंडा में एक डिलीवरी बॉय कस्टमर के कुत्ते के हमले से बचने के लिए भागा तो तीसरी मंजिल से गिर गया। उसे चोटें आई है लेकिन वह खतरे से बाहर। घटना रविवार की है। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई। पहले दिन बैठक के बाद रात में डेलीगेट्स ने डल झील का भ्रमण किया। विदेशी मेहमान कश्मीर की फेमस शिकारा नाव में भी बैठे। इस बैठक में विदेश से आए मेहमानों के अलावा साउथ एक्टर रामचरण तेजा भी शामिल हुए। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह पूरी तरह ब्रांज से बनी है। इसे बाबा केदारनाथ धाम से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाया जाएगा।